नमस्कार, न्यूज टाइम्स की इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। झारखंड के डीजीपी एमवी राव ने किया पश्चिमी सिंहभूम जिला का दौरा। पुलिस और सीआरपीएफ के पदाधिकारियों के साथ की बैठक। नक्सलियों के खिलाफ और तेज हो सकता है अभियान। सरायकेला कोऑपरेटिव बैंक से 36 करोड़ रुपए के घोटाले के मुख्य आरोपी को सीआईडी की टीम ने विशेष अदालत के सामने किया पेश। न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया मुख्य आरोपी संजय डालमिया। हाथरस गैंगरेप और महिला सुरक्षा कानून को लेकर चाईबासा के महिला संगठनों ने निकाली रैली। केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। राज्य के डीजीपी एमवी राव ने आज पश्चिमी सिंहभूम जिला का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने नक्सल प्रभावित क्षेत्र मनोहरपुर के दीघा में जाकर नक्सल विरोधी अभियान का जायजा लिया एवं कैंप की स्थितियों को देखा। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण करने के उपरांत डीजीपी एमवी राव ने पश्चिमी रेंज के पुलिस एवं सीआरपीएफ के अलावा आला अधिकारियों के साथ बैठक कर जिला में चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान की समीक्षा की। साथ ही उन्होंने नक्सलियों के खिलाफ अभियान को और तेज करने की रणनीति भी बनाई। इस दौरान पश्चिमी सिंहभूम जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नए पुलिस कैंप की स्थापना की भी बात कही। उन्होंने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा के साथ विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने पर भी जोर दिया। डीजीपी एमवी राव के इस दौरे के बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि पश्चिमी सिंहभूम जिला में एंटी नक्सल ऑपरेशन एक बार फिर से तेज होगा तथा माओवादियों के खिलाफ एक नई जंग की शुरुआत हो सकती है। जनरली जो पश्चिमी सिंहभूम जिला का पुलिसिंग के बारे में फर्स्ट हैंड नॉलेज प्राप्त करने के लिए यहाँ पर पुलिस वाले की कार्यकलाप कैसे है, क्या क्या समस्या है और आगे पुलिसिंग किस तरह से बेहतर ढंग से हो सके, ये सारे बात। और यहाँ पर बहुत संख्या में सीआरपीएफ का बल भी अब इस चाईबासा में सीआरपीएफ के जो झारखंड सेक्टर का आईजी साहब है उनके यहाँ चाईबासा में डी आई जी है सीआरपीएफ के, ये सभी हम सब लोग बैठ के वहाँ को एक कैंप भी देखें और इन जनरल अगर कोई समस्या हो तो उसको कैसे दूर करें और कार्यकलापों में क्या सुधार लाना है और कैंप्स में कोई कमी तो नहीं है रहने को, तो ये सारी चीज़ों पर विचार विमर्श हुआ था और आगे का रणनीति बनाया गया लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस के लिए और अन्य समस्याओं के साथ जो भी निदान निकालना है, समस्या का समाधान निकालना है, सबका हम लोग विस्तृत रूप से विचार विमर्श बनेंगे। कुछ नया कैंप्स भी बनेंगे और कुछ कैंप्स में बल को भी बदल दिया जाएगा, वो सब इंटरनल अरेंजमेंट जो भी है। माओइस्ट समस्या में जो भी जहाँ भी इनकी गतिविधि देखी जाती है वहाँ पर कार्रवाई होगी। देखिए अभी यहाँ चाईबासा के जो डीसी साहब भी हम लोगों के साथ गए हैं वहाँ पर और वहाँ आईडीसी जो बना था तो आईडीसी से काफ़ी फायदा हुआ जैसे ग्रामीणों ने बताया। तो मैं समझता हूँ कि विगत वर्षों की तुलना में तो विकास में गति है, काफ़ी जगहों पर रोड भी बनी है। इसके पहले हम लोग एक बार आए तो कई जगहों पर रोड की कमी थी और आगे भी कुछ कार्यकलाप बढ़ तो उम्मीद है कि सड़क की स्थिति सुधरेगी, आवागमन का सुधार आया तो बहुत सारे चीज़ों में सुधार आया। झारखंड सहकारिता बैंक के सरायकेला शाखा से 36 करोड़ रुपए के घोटाले मामले में मुख्य आरोपी संजय डालमिया को आज चाईबासा के विशेष अदालत में पेश किया गया।
सीआईडी ने इस घोटाले के मुख्य आरोपी संजय डालमिया को चैमासा के एडीजे सेकंड की विशेष अदालत में पेश किया, जहां से अदालत ने उसे जेल भेज दिया। झारखंड सहकारिता बैंक के सरायकेला शाखा से 40 करोड़ रुपए के घोटाले का मुख्य आरोपी संजय डालमिया पिछले कई महीनों से फरार चल रहा था। सीआईडी की टीम ने उसे पश्चिमी बंगाल के वर्धमान से गिरफ्तार किया था। इस मामले में सहकारिता बैंक के सरायकेला शाखा के तत्कालीन शाखा प्रबंधक, सहायक तत्कालीन मैनेजर सहित क्षेत्रीय कार्यालय चैमासा के एमडी सहित लगभग 9 लोगों के खिलाफ पूर्व में ही गिरफ्तारी की कार्रवाई हो चुकी है। इस मामले में विस्तृत जांच के लिए सीआईडी एक बार फिर अदालत में संजय डालमिया को रिमांड लेने को लेकर अर्जी दाखिल करेगी। इसके बाद संजय डालमिया को रिमांड पर लेकर आगे की जांच शुरू की जाएगी। सरायकेला के पत्थर व्यवसाय से कारोबार शुरू करने वाले संजय डालमिया ने घोटाले की इस रकम से झारखंड एवं पश्चिमी बंगाल के कई क्षेत्रों में अपने कारोबार को फैलाया है, जिनका सीआईडी के द्वारा जांच किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित लड़की के साथ हुए गैंगरेप के बाद हत्या एवं पूरे देश में महिलाओं के साथ हो रहे रेप जैसी घटनाओं के खिलाफ आज चैमासा में विभिन्न महिला संगठनों ने प्रदर्शन किया। मंगलवार को पश्चिमी सिंहभूम जिला की विभिन्न महिला संगठनों ने हाथरस मामले और देश भर में महिलाओं के साथ हो रहे रेप जैसी घटनाओं के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग को लेकर जुलूस निकाला। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। साथ ही हाथरस गैंग रेप मामले में आरोपियों को अविलंब गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग को लेकर उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें महिला सुरक्षा कानून बनाने की मांग को प्रमुखता दिया गया। पूरे देश में हम महिलाएं सुरक्षित नहीं है, हर दो दो मिनट में बलात्कार का शिकार हो रही है और बेमौत मारी जा रही है। उसको भी जीने का हक है, स्वतंत्रता से जीने का हक है उनको। और हम लोग ये मांग करते हैं सरकार से कि हम महिलाओं को कड़ी से कड़ी सुरक्षा दी जाए और उनके जो शव को जलाया गया है उन अधिकारियों को भी कड़ी कानूनी कार्रवाई दी जाए और सजा दी जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना हो और पुरुषों को भी ऐसी मानसिकता को बदलनी होगी, तभी देश में महिलाएं सुरक्षित होंगी। यही हमारी मांग है सरकार से। जो कांड है तो वहाँ पे जो मनीषा हमारी जो दलित जो उस तरह से बलात्कार में पीड़िता हैं, आज सिर्फ वहाँ की बात नहीं, यूपी की बात नहीं है, ये हमारे झारखंड का भी हर 10 मिनट में यहाँ बलात्कार हो रहा है। और हमें प्रशासन से दरखास्त है, यहाँ केंद्र सरकार से दरखास्त है कि हमारी जो महिलाएं हैं थोड़ी सेफ रहे। प्रशासन जैसे FIR भी दर्ज नहीं करती है, ना ही सेफ्टी बरतती है, तो हम से मांग करते हैं कि वो हमारी सुरक्षा प्रदान करें और इसे केंद्र सरकार तक इस बात को दे। और मनीषा, COVID-19 से सुरक्षित रहना है और दूसरों को भी सुरक्षित रखना है तो एक बार आप सदर बाजार स्थित राधिका में आइए। यहाँ आपको COVID-19 से सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी सामग्री मिलेगी। कोरोना से बचाव के लिए आपको तरह तरह के मास्क और सैनिटाइजर मिलेंगे। इसके अलावा संक्रमण से बचाव के कई सामान राधिका में उपलब्ध है। यहाँ आपको PPE किट, हैंड ग्लव्स, फुट ऑपरेटेड हैंड सैनिटाइजर मशीन, सैनिटाइजर मशीन के अलावा स्पाइडरमैन, डोरेमोन, छोटा भीम, मिकी माउस आदि डिजाइन का मास्क, फेस शील्ड भी मिलेगा, स्प्रे मशीन, नैनो स्प्रे, स्प्रे पेन, इलेक्ट्रॉनिक सैनिटाइजर मशीन के अलावा एक ऐसा टैबलेट मिलेगा जो घर के कमरे और आपके ऑफिस को पानी में डालकर रखने से सैनिटाइज कर देगा। राधिका में सैनिटाइजिंग का हर सामान आपको उचित कीमत पर मिलेगा। खुदरा और होलसेल खरीदारी के लिए आज ही पधारे राधिका में। बालाजी नमकीन की
सिलसिला स्वाद का एक नई पहचान के साथ। चाईबासा शहर के लोगों की नमकीन आइटम की जरूरतों को पूरा कर रहा है बालाजी नमकीन। हानिकारक तेल और मिलावटी मसाले से बने नमकीन आइटम आपकी सेहत बिगाड़ते हैं, इसलिए बालाजी नमकीन शुद्ध तेल और घर में तैयार किए गए मसाले से बनाता है नमकीन आइटम। अपने खुद के किचन में तैयार होते हैं बालाजी नमकीन के सारे उत्पाद। बालाजी में नमकीन आइटम के अलावा शुद्ध देसी घी से बने लड्डू और काजू बर्फी भी उपलब्ध हैं। मिक्सचर, गठिया, पेठा, पापड़ी, मसाला सुहाली, मिनी कचौरी, मिनी समोसा, रोस्टेड काजू सहित तमाम तरह के आइटम उपलब्ध हैं। सुबह नाश्ते में कचौरी, जलेबी और शाम को समोसा भी तैयार किया जाता है। तो आप भी अपने सेहत का ख्याल रखिए और कोट रोड स्थित बालाजी नमकीन जरूर आइए। झारखंड सरकार 1 से 31 अक्टूबर तक मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण माह मना रही है। इस दौरान 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए की खुराक दी जा रही है। 5 वर्ष तक के बच्चों में बीमारी की दर और मृत्यु दर को कम करने के लिए साल में 2 बार विटामिन ए का संपूर्ण देना आवश्यक है। बच्चों के शारीरिक विकास और संक्रामक रोगों से बचाव के लिए यह बहुत आवश्यक है। विटामिन ए की कमी के कारण नेत्र संबंधी बीमारियां, संक्रमण में बढ़ोतरी आदि का खतरा बना रहता है। खाने पीने की किन चीजों में विटामिन ए पाया जाता है यह भी जानना जरूरी है। अति गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान और उनका इलाज स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा की जाती है। अति कुपोषित बच्चों की पहचान के कुछ मानदंड है जिनके आधार पर स्थिति का आकलन किया जाता है। इसलिए पश्चिमी सिंहभूम जिले के सभी नागरिकों से आग्रह है कि बच्चों को विटामिन ए पिलाएं और कुपोषण एवं मृत्यु के खतरे से बचाएं। पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के खास करंजिया गांव में सीमेंट और गिट्टी से लदा हुआ ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित घर के अंदर घुस गया। इस घटना में एक महिला और उसके बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गया। बताया जा रहा है कि सीमेंट और गिट्टी लेकर ट्रैक्टर जैतगढ़ से कुमारडुंगी जा रहा था। इसी दौरान NH-75 पर स्थित सुनील गोप के घर में अनियंत्रित ट्रैक्टर घुस गया। घर में सो रही सुनील की पत्नी बेनी देवी और पुत्र अंगातिया की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सुनील गोप बुरी तरह घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जबकि घायल सुनील गोप को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चाईबासा के विधायक दीपक बिरुआ ने चाईबासा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को नगर परिषद अध्यक्ष समेत सभी वार्ड पार्षदों और वार्ड वासियों के साथ बेहतर तालमेल एवं समन्वय बनाकर शहर के विकास में भागीदारी निभाने का निर्देश दिया। विधायक दीपक बिरुआ मंगलवार को वार्ड पार्षदों के आग्रह पर चाईबासा नगर परिषद कार्यालय पहुंचे और कार्यपालक पदाधिकारी और पार्षदों के साथ कामकाज और विकास कार्यों में आ रही समस्याओं के समाधान के लिए बैठक की। बैठक में सभी पार्षदों ने विधायक के समक्ष शिकायत रखी कि नब बोर्ड की बैठक नियमित नहीं होती है। इस पर विधायक ने एक सप्ताह के अंदर बोर्ड की बैठक कराने का निर्देश कार्यपालक पदाधिकारी अभय झा को दिया, जिस पर सर्वसम्मति से 16 अक्टूबर को बोर्ड की बैठक कराने का निर्णय लिया गया। बैठक में विधायक दीपक बिरुआ ने नब के कार्यकारी अध्यक्ष डोमा मिंज, कार्यपालक पदाधिकारी एवं पार्षदों को मिलकर नगर परिषद के समक्ष आ रही समस्याओं को दूर करने की नसीहत दी। वहीं नगर परिषद में आय के संसाधनों को बढ़ाने पर जोर दिया ताकि फंड की कमी दूर हो सके। महिला वार्ड पार्षदों ने शहरी जलापूर्ति और वार्ड क्षेत्रों में अधूरे छोड़े गए केबलिंग से हो रही समस्या रखा। इस बाबत विधायक ने कहा कि बोर्ड की बैठक में केबलिंग करने वाली एजेंसी को भी जरूर बुलाएं, समाधान निकलेगा। शहरी जलापूर्ति को लेकर वे स्वयं भी गंभीर हैं। आवश्यक कार्रवाई कराने के बाद जल्दी ही जलापूर्ति का लाभ सभी को मिलेगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि 2020
बैठक हुई। उसके बाद अप्रैल माह से जो लॉकडाउन का ये रहा, दो माह उधर फरवरी मार्च नहीं हुआ, बैठक नहीं हुई, और अप्रैल से जो लॉकडाउन का ये चला, ये कोरोना काल में चार महीने वैसे चले गए, लगभग नौ महीने बीत गए लेकिन आज तक बैठक नहीं हुई। चूँकि देखिए ये कोरोना काल था, कोरोना काल में हमारा भी दायित्व, हम सभी का दायित्व ये बनता है, चूँकि हम एक पार्षद होने के नाते हमारा ये दायित्व बनता है कि हमने अपने वार्ड में कोरोना काल में क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई। लेकिन नगर परिषद के माध्यम से हम किसी भी पार्षदों को कुछ भी उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसके कारण मोहल्ले में वार्ड में समस्याएं उत्पन्न हो गई बहुत ज्यादा। और जो मेन मूलभूत समस्याएं हैं, सड़क की हुई, नाले की हुई, साफ सफाई की हुई, सामने अभी दुर्गा पूजा है, कैसे करेंगे? कार्यपालक पदाधिकारी को बोला जाता है कि बोर्ड का बैठक कीजिए, वो कोरोना काल को बोल करके जाते हैं। इन विषयों को लेकर के हम विधायक जी से मिलने गए थे, तो आज विधायक जी आए और विधायक जी के समक्ष ये निर्णय हुआ कि आगामी 16 तारीख को हम लोग बोर्ड की बैठक करेंगे, और बोर्ड की बैठक के माध्यम से जो नज़दीक में हमारा पर्व दुर्गा पूजा महोत्सव है, उसमें हम लोग विशेष सफाई अभियान करेंगे और शहर को बढ़िया व्यवस्थित करने का संकल्प लेंगे। जो COVID-19 को देखते हुए बीच में जैसे कि विभागीय स्तर पर भी हम लोगों को कोई बैठक नहीं करने का आदेश प्राप्त था, और कुछ इतना बड़ा हॉल हमारे पास भी अवेलेबल नहीं था जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए मीटिंग किया जा सके, तो लंबे समय से गैप को पाटने के लिए एक ऐसे ही अनऑफिशियली माननीय विधायक जी की अध्यक्षता में एक मीटिंग आहूत की गई थी, जिसमें तमाम हमारे वार्ड पार्षद उपस्थित थे, कार्यकारी अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी थे और हम कार्यपालक पदाधिकारी भी थे। उसमें शहर से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर बातचीत की गई और माननीय विधायक जी से मदद करने की गुहार भी लगाई गई कि अपने स्तर से थोड़ा सा करें, अभी काफ़ी राजस्व का घाटा हुआ है नगर परिषद का, ऐसी स्थिति में दैनंदिनी कार्यों का संचालन मुश्किल हो रहा है। इसी सब संदर्भ में बातचीत हुई है और उनका आश्वासन मिला है, और निकट ये 16 तारीख को फिर बोर्ड की बैठक आहूत की जाएगी जिसमें भी माननीय आमंत्रित है, वो भी रहेंगे और विशेष बातें होंगी। आज बैठक ये था कि पूर्व में दो दिन पहले वार्ड पार्षद लोग सभी माननीय विधायक महोदय के यहाँ मुलाकात करने के लिए गए थे। सभी वार्ड पार्षदों ने आग्रह किया था कि आप 13 तारीख को आप आइए वैसे हमारे नगर परिषद, और आपके साथ बैठ करके कुछ जो हमारे नगर परिषद की समस्या है उस पर चर्चा करेंगे। इस विषय पर वार्ड पार्षद ने जाकर माननीय विधायक महोदय से आग्रह किया। आज उसी संदर्भ में माननीय विधायक महोदय आए थे, अब जो आपस में जो है उनकी समस्याओं को उन्होंने सुना, जो भी आपस में जो भी मतभेद है उनको यही कहा है, नगर परिषद है, मिलजुल के आप लोग चलाइए, जो भी आपका नगर परिषद आपका परिवार है, जो भी अगर किसी तरह का कोई बात होता है तो आप लोग आपस में बैठ कर सुट आउट कीजिए, ना किसको तो बाहर कीजिए, नगर का समस्या है, मिलजुल कर आप नगर का सर्वांगीण विकास कीजिए। इसी विषय पर आज चर्चा हुआ। वार्ड पार्षद लोग का कुछ कुछ समस्याएं थी तो हमको उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि एक बार कम से कम हम लोग का ऑफिस आइए, तो इसी बहाने मैं आया तो सभी लोगों से बैठ मुलाकात हुई और अनऑफिशियली तौर पर बहुत सारी चीज़ों पर बातचीत भी हुआ, समीक्षा भी हुआ, और इन लोग 16 तारीख को बोर्ड की बैठक कर रहे हैं, उसमें हम भी आमंत्रित हैं, सदस्य हैं, इसलिए आएंगे 16 तारीख की बैठक में। बहुत सारे शहर से संबंधित मामलों पर विचार विमर्श किया गया और लगता है कि बोर्ड इस पर कोई ठोस निर्णय लेगी। हो सकता है बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं ये लोग आपस में, इसलिए थोड़ा बहुत कट्टा मुट्टा कुछ कुछ बात शेयर किए होंगे। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो थाना क्षेत्र में बोलेरो और मोटरसाइकिल की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई। सानमिगलिंडी मार्ग में बोलेरो गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार किसान को टक्कर मार दिया। इस घटना में मोटरसाइकिल चालक सरदार सिंह को गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जगन्नाथपुर ले जाया गया, जहां इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। आइए एक बार फिर रुख करते हैं आज के हेडलाइंस पर। झारखंड के डीजीपी एमवी राव ने किया पश्चिमी सिंहभूम जिला का दौरा। पुलिस और सीआरपीएफ के पदाधिकारियों के साथ की बैठक। नक्सलियों के खिलाफ और तेज हो सकता है अभियान। सरायकेला कोऑपरेटिव बैंक से 36 करोड़ रुपए के घोटाले के मुख्य आरोपी को सीआईडी की टीम ने विशेष अदालत के सामने किया पेश। न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया मुख्य आरोपी संजय डालमिया।
हाथरस गैंगरेप और महिला सुरक्षा कानून को लेकर चाईबासा के महिला संगठनों ने निकाली रैली। केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। आज के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।